नमस्कार, कैसे हैं भाई लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। और ALP का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके कारण आपका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि आपके दिमाग का टेम्परेचर होगा, वो थोड़ा गर्म ही होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। लोग क्या समझते थे कि क्या है कि लूसेंट अगर हम पढ़ लें, स्पीडी पढ़ लें, तो तकरीबन जो साइंस का क्वेश्चन है वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रही है वो थोड़ा डीपली आ रही है और थोड़ा अनयूजुअल आ रही है, जो कि कई बार नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि जिसको अपन नज़रअंदाज कर देते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अभी तो खुश हो सकते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे मिलेंगे जो कि आपको भारत की राजधानी दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री हैं ये सभी बता के आपको खुश कर देंगे। ठीक है, तो आप खुश होना जानते हैं और वहीं लोग आपको बेवकूफ़ बना के अपना काम चला लेते हैं। तो आप कब खुश होना चाहते हैं? अभी खुश होना चाहते हैं, वीडियो देख के खुश होना चाहते हैं, या एग्जाम में खुश होना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा कठिन प्रश्न दिखाया जाता है तो आप क्या करते हैं कि वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। जहां भी आपको कठिन प्रश्न दिखती है वहां आप पॉज करके निकल जाते हैं, लेकिन जहां भी, यानी कि जो भी यूट्यूब चैनल आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन कराते हैं, आप खुश होते हैं और वहां पे आप लगे रहते हैं। तो आपके लाइफ के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं। आपको डिसाइड करनी है किस तरह के आपको प्रश्न के रिविजन करनी है, या किस तरह के जो लोग हैं उनके साथ जुड़नी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं 17 अगस्त के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, थोड़ा लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको यही सब रिवीजन करनी है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, लूसेंट पढ़ा है या आपने स्पीडी पढ़ा है, आप देख सकते हैं, कोई भी आप सेट उठा के देख सकते हैं स्पीडी या लूसेंट से कितना क्वेश्चन आया है, तकरीबन एक दो आए हुए हैं। तो एक दो क्या है, इतना मोटा बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो आपका पढ़ना बेकार है। तो आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर करें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि 17 अगस्त के बेस पे बनाया गया है। ठीक है, ये सेट पेस मेकर में, पेस मेकर एक होता है जो बैटरी होती है, ठीक है, जो हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट है वो कम जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है कि बाहर से एक पेस मेकर लगाता है, यानी कि आपका जो पेस होता है, पेस मतलब क्या होता है, गति होती है। ठीक है, आप सुनते होंगे कमेंट्री, अगर आप सुनते हो तो कमेंटेटर क्या बोलता है कि इस बॉलर का पेस काफ़ी अधिक है, पेस मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, गति। ठीक है, तो आपका जो हार्ट है उसकी गति कम हो जाएगी, यानी कि हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक पेस मेकर लगाई जाती है। तो वो किस एलिमेंट का बना रहता है, वो प्लूटोनियम का बना रहता है। ठीक है, वो प्लूटोनियम 238 का बना रहता है। ठीक है, और मानव निर्मित, और मानव निर्मित प्रथम एलिमेंट पूछा जाए तो वो भी प्लूटोनियम है। ठीक है, तो प्लूटोनियम का पेसमेकर बना रहता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट का पेसमेकर बना रहता है, प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम 238 का बना रहता है, उसका प्रयोग पेसमेकर के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, पेसमेकर यानी कि आपका हार्ट बीट को जो गति है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो यानी कि आप जब भी कोई भी चीज़ लूटने जाते हैं, आप बच्चे में अमरूद चुराए होंगे, वो गांव में बच्चे रहते हैं वो काफ़ी जानते होंगे, अमरूद चुराए होंगे या आम चुराए होंगे, जो भी होता है वो चुराए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप चुराने जाते हैं, जब आप बगीचे में जाते हैं चुराने जाते हैं, तो आपका हार्ट बढ़ जाता है। आप चोरी करने जाते हैं यानी कि कोई भी चीज़ लूटने जाते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे कि लूटने जाते हैं तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हार्ट बीट बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेसमेकर का। पेसमेकर में कौन सा एलिमेंट रहता है, प्लूटोनियम। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, नोरो वायरस, इसको दूसरे शब्दों में रोटा वायरस भी कहते हैं। ठीक है, NOROVIRUS, ये एक प्रकार का वायरस है, इसके द्वारा डायरिया होता है। ठीक है, बच्चों में आप देखते होंगे, बड़ों में भी डायरिया होती है। डायरिया से तकरीबन क्या है कि जो 200 बच्चे होते हैं इंडिया में, ठीक है, जन्म लेते हैं 200 बच्चे, तो 200 में एक बच्चे, ठीक है, 200 में एक बच्चे जो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं वो सिर्फ डायरिया की वजह से ही मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि 200 बच्चे अगर इंडिया में पैदा लेते हैं तो उसमें एक बच्चा डायरिया के कारण मर जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, नोरो वायरस, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं रोटा वायरस। ठीक है, तो डायरिया जब होता है, डायरिया क्या है, एक प्रकार का दस्त है। ठीक है, तो जब दस्त है तो उसमें क्या कहा जाता है कि दस्त में रोटी नहीं खानी चाहिए, दस्त में क्या खाया जाता है, गीला चावल खाया जाता है। ठीक है, तो रोटा से हम याद रखें कि रोटी नहीं खानी चाहिए, दस्त होगी तो, यानी कि डायरिया होगी तो रोटी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम याद रखें कि रोटा वायरस के कारण डायरिया होता है, और रोटा वायरस का दूसरा नाम नोरो वायरस। ठीक है, आगे देखते हैं SCID,
SCID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेवरी कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, SCID, सेवरी कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको कहते हैं बबल बेबी डिजीज, ठीक है। SCID को यानी कि सेवरी कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी को हम कहते हैं बबल बेबी डिजीज। ये डिजीज क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो रक्षा उसको तंत्र बोलते हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, या उसका जो रक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर होता है, यानी कि वो कोई भी डिजीज से लड़ नहीं सकता, ठीक है। कोई भी कफ हो जाएगा तो कफ होता रह जाएगा, बुखार हो जाएगा तो बुखार होता रह जाएगा, यानी कि अंदर क्या है, एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती है, यानी कि बच्चे का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है, तो कोई भी रोग उसको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए, उस डिफिशियंसी को यानी कि इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि एक प्लास्टिक का बबल के थ्रू, प्लास्टिक का बबल के थ्रू उसका उपचार किया जाता है, ठीक है, उस रोग का उपचार प्लास्टिक के बबल के थ्रू उपचार किया जाता है, इसलिए उस डिजीज को कहते हैं बबल बेबी डिजीज। ये बेबी में होता है, जो जन्म लेते हैं बच्चे उनमें होती है, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बबल बेबी डिजीज उसको, कॉमन भाषा में कि बबल बेबी डिजीज कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बबल के थ्रू वो ठीक किया जाता है, एक प्लास्टिक का बबल होता है उसके थ्रू ये उपचार किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको SCID को क्या कहा जाता है, बबल बेबी डिजीज कहा जाता है, ठीक है। अशुद्धियों को बिना डिस्टर्ब किए स्वच्छ जल हटाने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंटेशन, ठीक है, DECENTATION, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अगर एक पात्र लें, ठीक है, एक ग्लास लें, ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटी होगा, ठीक है, ये इम्प्योरिटी होगा, जो सपोज यहाँ पे ये क्ले का इम्प्योरिटी है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा वाटर है, ठीक है, तो हमको वाटर को हटाना है और ये क्ले वाला पार्ट है, इतना क्ले का पार्ट है वो इसी में रह जाए, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से बेंड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, क्ले वाला पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, क्ले वाला पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाटर वाला पार्ट है, ये वाटर वाला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से दूसरे बर्तन में रख लेंगे, ठीक है, तो ये वाला क्ले पार्ट इसी में रह जाएगा और ये जो वाटर वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा, यानी कि वाटर इसमें आ जाएगा और क्ले पार्ट इसी में रह जाएगा, यानी कि क्ले को हम डिस्टर्ब नहीं किए, यानी कि जो ये गंदगी है उसको डिस्टर्ब नहीं किए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को निस्तारण बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में डिसेंटेशन। एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, एंटी टेररिज्म डे इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया में एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, 21 मई को। एक चीज़ सबको याद होता है कि राजीव गांधी के का जन्म हुआ है वो कितने को हुआ है, 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो इस दिन राजीव गांधी के जो जन्मदिन है उस दिन को हम सद्भावना डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 20 अगस्त को हम सद्भावना डे के रूप में मनाते हैं। सद्भावना की मतलब क्या होता है, यानी कि भाईचारा, ठीक है, तो उस डे को यानी कि राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिन के रूप में मनाते हैं 20 अगस्त को, और 21 मई को वो टपक गए, ठीक है, 20 अगस्त को वो पैदा लिए हैं और 21 मई को चले गए, ठीक है, तो 21 मई को कैसे चले गए थे, उनको बम विस्फोट से मारा गया था, यानी कि वहाँ पे टेररिज्म के थ्रू मारा गया था, यानी कि उनकी मृत्यु क्या हुई थी, एक विस्फोट में हुई थी, वहाँ पे एक आतंकवादी ने अपने आप को बम से उड़ा दिया था, ठीक है, उसकी वजह से राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो इस तरह से याद रखेंगे। 20 अगस्त तो सबको पता होता है कि सद्भावना डे, तो 20 के बाद पैदा लेगा तभी तो मरेगा, ठीक है, तो 20 के बाद 21 को मर गए, ठीक है, मई आप याद रखेंगे, मरने से मई याद रखेंगे, ठीक है, मरने से मई याद रखेंगे, 20 अगस्त को पैदा लिए और 21 को चले गए, यानी कि 20 पैदा लिए और एक दिन बाद चले गए, इस तरह से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हालांकि ये अगस्त में पैदा हुए थे और मई में मरे, ठीक है, मरने से मई याद रखेंगे, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म डे जब ये मरे 21 मई को, तो इनकी मृत्यु पे, ठीक है, इनकी मृत्यु पे उस दिन को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं, ठीक, बूप्रोपियन, ठीक है, बूप्रोपियन एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, ठीक है, जब भी डिप्रेशन होती है, ठीक है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग के बारे में सुनते हैं कि फलाना लोग डिप्रेशन में चले गए, जैसे कपिल शर्मा वगैरह हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों, किस वजह से, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉस होती है, बहुत सारा वजह हो सकती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड की वजह हो सकती है, कई सारी वजह हो सकती है, ठीक है, तो वो किस दवाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है,
वो किस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं? वो बुप्रोपियन दवाई का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, ठीक है। अब याद करने का तरीका देखिए, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो शराब पीने लगते हैं। कपिल शर्मा के बारे में सब कोई जानते हैं कि वो काफ़ी शराब पीते हैं, डिप्रेशन में चले भी गए थे तो, ठीक है। तो शराब पीते हैं यानी कि बू आती है उनके मुंह से, जो शराब पीते हैं उनके मुंह से बू आती है पीने के बाद, ठीक है। बू प्रोपियन, पीने के बाद बू आती है, ठीक है। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो शराब पीते हैं और उनके मुंह से बू आती है पीने के बाद, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे, बू प्रोपियन एक दवाई है, वो एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे हल्का रेडियो धर्मी तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। तो रेडियो धर्मी तत्व सबसे हल्का कौन होगा? हाइड्रोजन ही होगा। तो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो उसका क्या होगा? अपरूप होगा यानी कि आइसोटोप होगा। तो उसका आइसोटोप कितने हैं? तीन हैं, प्रोटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम रेडियो एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? ड्यूटेरियम होगा या ट्रिटियम होगा, इन्हीं दो में से कोई एक होगा, तो ट्रिटियम होगा। याद करने का तरीका ट्रिटियम को कैसे याद रखेंगे? कोई भी रेडियोधर्मी जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? टियर करता है। टियर मतलब क्या होता है? फाड़ना, ठीक है। तो कोई भी चीज होगा उसको फाड़ के निकल जाता है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो किसी चीज को फाड़ के निकल जाते हैं यानी कि टियर करके निकल जाते हैं। तो सबसे हल्का रेडियोधर्मी सब्सटेंस कौन होगा? ट्रिटियम, क्योंकि ये टियर करके निकल जाएगा। बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? लुसीन विडी ने, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, याद करने का तरीका। अच्छा, बैरोग्राफ होता क्या है? ये जो बैरोमीटर होता है उसी में एक प्रकार का ग्राफ होता है, ठीक है। वहां पे रिकॉर्डिंग होती रहती है कि कितना अभी जो प्रेशर है, ठीक है, वायुमंडल का प्रेशर किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर के थ्रू नापा जाता है। तो बैरोमीटर का ही एक प्रकार का आप कह सकते हैं ग्राफ है बैरोग्राफ, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? लुसीन विडी ने। याद करने का तरीका है कि बैरोग्राफ किसके लिए यूज होता है? मतलब ये दाब मापने के लिए। तो लोग अक्सर पूछते हैं क्या कि आज का सीन कैसा रहेगा, यानी कि आज वायुमंडल का सीन कैसा रहेगा, उससे हम याद रखेंगे सीन, ठीक है। लूसीन में सीन से याद रखें कि आज वायुमंडल का सीन कैसा रहेगा, बादल होगा, ठीक है, वर्षा होगी या गर्मी होगी। इस तरह से हम याद रखें कि बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? लूसीन ने, ठीक है। माई लाइफ के लेखक, ये काफी बिकी थी, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक उस वर्ष की जब ये लॉन्च हुआ था। कौन था? माई लाइफ किसने लिखा था? ये एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, यानी कि खुद लिखा गया किताब है। किसके द्वारा? बिल क्लिंटन के द्वारा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये जो हिलरी क्लिंटन है, ठीक है, उनके हस्ते रामचरित नाटक के लेखक कौन है? भगवती। याद करने का तरीका देखिए, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास। लेकिन उत्तर रामचरित का लेखक कौन है? भगवती, ठीक है। तो रामचरितमानस सबको पता है कि कौन लिखे थे? तुलसीदास, ठीक है। तो रामचरित से हम याद रखें कि रामचरित के बाद अगर कोई चरित्र लिखा गया होगा, यानी कि रामचरित के बाद कोई रामचरित लिखा गया होगा, तो तुलसीदास का कोई भूत लिखा होगा। कहते हैं ना कि हमने नहीं काम किया, हमारा भूत ने काम किया, ठीक है, उस समय कभी कभी बोलते हैं। तो रामचरित को तो सबको पता है कि किसने लिखा। तो रामचरित में कुछ अगर जुड़ा रहेगा तो कौन लिखेगा? उनका भूत लिखेगा, यानी कि भवभूति को हम याद कर लेंगे। तो यानी कि हम भवभूति को याद करेंगे भूत से, क्योंकि लाइकेन एक बायो इंडिकेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब वायुमंडल में SO2 का मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, या आप कह सकते हैं या सल्फर ऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, ठीक है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइकेन में वृद्धि होने लगती है। जो लाइकेन जहाँ पे होती है उसमें काफी वृद्धि होना चालू हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वायुमंडल में क्या है कि सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड किससे निकलते हैं? वोल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं या मोटर गाड़ी के धुएं में निकलते हैं, ठीक है। तो लाइकेन अगर बढ़ना चालू कर दे, कहीं पर लाइकेन पड़ा हुआ है उसमें अचानक वृद्धि होना चालू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वायुमंडल में SO2 की या SO की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो लाइकेन एक प्रकार का क्या है? बायो इंडिकेटर है, ठीक है। सियालवाद और अनिकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, ये सियालवाद क्या है? सियालवाद मतलब होता है कि सापेक्षता, इसको शुद्ध हिंदी में समझे तो सापेक्षता। इसका मतलब होता है, सियालवाद आपको इस तरह से समझाते हैं, सियालवाद मतलब होता है कि अगर एक हाथी है, ठीक है, कुछ अंधे व्यक्ति हैं, हाथी का कोई सूंड पकड़ा तो वो अंधा व्यक्ति क्या समझ में आएगा उसको? कि जो हाथी होता है वो लंबा एक ट्रंक की तरह होता है, ठीक है, ट्रंक मतलब सूंड होता है, ठीक है।
हाथी क्या होता है, एक सूंड की तरह होता है अगर वो अंधा है, ठीक है। दूसरा अंधा अगर उसके पैर को पकड़ा तो वो क्या बोलेगा कि हाथी कैसा होता है, एक खंभे की तरह होता है। तीसरा अगर पूछ पकड़ा तो वो क्या कहेगा कि एक धागे की तरह, मोटा धागा की तरह हाथी होता है, ठीक है। तो वो अपने सापेक्ष में देख रहा है हाथी कैसा होता है, ठीक है। अंधा व्यक्ति है तो अपने सापेक्ष में वो अनुमान लगा रहा है कि हाथी कैसा होता है। लेकिन जो एक अच्छा आंख वाला आदमी देखे तो हाथी के संपूर्ण शरीर को देखेगा, ठीक है, तो उससे पता चलाएगा कि वो हाथी कैसा होता है, ठीक है। तो नजरिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसी को कहते हैं सापेक्षता। यानी कि हम अपने रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी चीज कैसा है, ठीक है। जैसे अंधा व्यक्ति निर्धारित कर रहा था कि हाथी कैसा होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आदमी अपने अनुसार हाथी के डिफिनेशन दे रहे थे कि इस तरह का हाथी होता है, उसी को कहते हैं सियादवाद। यानी कि अपने रिस्पेक्ट में कोई भी चीज का हम अनुमान लगाते हैं। अनिकांतवाद मतलब, अनिकांतवाद मतलब कि हम जो सत्य को देखते हैं डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो वो सत्य डिफरेंट दिखता है, ठीक है। जो सत्य है यानी कि जो ट्रूथ है डिफरेंट एंगल से देखने के बाद डिफरेंट तरीके का ट्रूथ दिखेगा। इसको इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कोई भी राक्षस है, ठीक है, सपोज राक्षस को माँ काली ने मारा, ठीक है, मारा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति राक्षस है तो राक्षस क्या बोलेगा कि नहीं उन्होंने गलत किया कि राक्षस को मारा। लेकिन हमने क्या अपने अनुसार ट्रूथ को समझा कि नहीं राक्षस को मारना सही बात है। तो वही है कि अनिकांतवाद मतलब कि